एसटीआर वर्सेस एसटीए का महा मुकाबला दोस्तों 1:45 PM को खेला जाना है। एडिलेड वर्सेस मेलबोर्न ग्रीन का ये महा मुकाबला है दोस्तों। आज संडे का दिन है दोस्तों, लाजवाब आपको मजा आने वाली है और आप जीत सकते हैं दोस्तों 1 करोड़ रुपए, वो भी मात्र 24 रुपए के एंट्री के साथ। तो आप देरी मत कीजिए यार, आप हार हार कर बिल्कुल परेशान हो गए हैं, आप विनिंग जोन से बाहर हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तों। मेगा इसलिए कर दिया 16 करोड़ रुपए और फर्स्ट विजेता को कितने रुपए मिलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इससे पहले आपको करना क्या है, हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को क्या करना है दोस्तों। आप लोगों को नाम लेना है जय बजरंगबली का और अपने कमेंट बॉक्स में भी जय बजरंगबली लिख देना है, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होनी है। तो चलिए जय बजरंगबली का उद्घोष करने के साथ साथ जय बजरंगबली अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, परंतु कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों और भी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कितने रुपए आपको फर्स्ट विजेता को मिलने वाले हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं मात्र 24 रुपए से एंट्री करनी है और आपको मिलने वाले 1 करोड़ रुपए फर्स्ट विजेता को, सेकंड विजेता को 22 लाख, थर्ड विजेता को 7.5 लाख, फोर्थ विजेता को 5 लाख और पांचवे विजेता को 4 लाख रुपए मिलने वाले। तो देरी किस बात की, हम लोग चलते हैं एक बार फिर आपसे आग्रह करते कि आप लोग दोस्तों बजरंगबली का नाम लीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय बजरंगबली लिख दीजिए, आपकी मनोकामना आज जरूर पूरी होने वाली है। क्योंकि हम दोस्तों ज्योतिष विद्या के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि आपको किन किन खिलाड़ियों का चयन करना है, किस प्रकार से टीम बनानी है, किस प्रकार से आपकी यूरस टीम बनेगी और आज विनिंग जोन से बाहर कभी नहीं जा सकते, ये दोस्तों 100% हम कह सकते हैं। और दोस्तों आप लोग कहां पर गलती करते वो भी हम आपको पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाले, आप क्यों नहीं दोस्तों ड्रीम इलेवन पर जीत पाते, आखिर कहां कहां पर गलती करते हैं और आप विनिंग जोन से बाहर हो जाते, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना, वीडियो को स्किप नहीं करना और एक एक दोस्तों सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको क्या करना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। रिस्क जो लेता है वही दोस्तों जीवन में रिस्क करता है। और दोस्तों हम आपको आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर देने वाले हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आईपीएल में अगले साल 2023 के आईपीएल में हमने धमाल मचाया है और बहुत ही ट्रिक एंड टिप्स हमारे दोस्तों बताए हुए ट्रिक एंड टिप्स करोड़ों रुपए लोगों ने जीता, तो आप उससे वंचित मत रहिए, आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और नए साल में हम आप लोगों को ट्रिक एंड टिप्स के वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जो आईपीएल में आपको लाखों और करोड़ों रुपए जिताने वाले हैं। तो आप लोग देरी मत कीजिए, फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और हम दोस्तों आज ज्योतिष विद्या के द्वारा आपको बताने वाले हैं आपको क्या करना होगा, कितने बैट्समैन लेकर चलना है, कितने बॉलर लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलने और कितने दोस्तों विकेट कीपर लेकर चलना, एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले, ग्राउंड के आंकड़े क्या होंगे, मैच के आंकड़े क्या होंगे, पिच कैसा बिहेव करेगी, वेदर का क्या हालचाल होगा, मौसम किस प्रकार का होगा, हेडफोन रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले। आप लोगों को क्या करना है, केवल आप लोगों को शांतिपूर्ण दोस्तों देखना है, शांतिपूर्ण वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक बिंदु पर दोस्तों एनालिसिस करना है। दोस्तों टीम अपने आप से बनाइए, क्योंकि हमारी बनाई हुई टीम के लाखों रुपए लोग दीवाने और लाखों लोग हमारे बनाए हुई बताई हुई टीम को बनाते, इसलिए दोस्तों आप केवल एनालिसिस कीजिए, बहुत सारे वीडियो कीजिए देखिए, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद टीम अपने आप से बनाइए, कप्तान कप्तान अपने चुनिए, पैसा आप लगाते हो तो दोस्तों टीम बनाने का अधिकार भी आपको है, केवल आपको एनालिसिस करना है कि आखिर कौन आदमी दोस्तों सही दोस्तों राय देता है, कौन आदमी दोस्तों सही सलाह देता है और दोस्तों जो विद्या क्या कहती है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों हवन पूजा इत्यादि करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी लाखों रुपए कमाना है, जैसे हम कमा रहे हैं, तो हमारा कोई भी साथी ऐसा ना हो लाखों रुपए ना कमाए। तो दोस्तों और चलते हैं, सबसे पहले विकेट कीपर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि विकेट कीपर किसको चुनना होगा। तो दोस्तों अगर आप 3 और 4 का आंकड़ा लेकर विकेट कीपर पर जा रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आप रेड जोन पर है, आपकी बत्ती लगने वाली है। और जिसमें बाद अगर विकेट कीपर है तो दोस्तों उसको कदापि याद न लेना, बानाम आपके लिए आज के दिन संडे के दिन बहुत ही अशुभ योग दर्शा रहा है दोस्तों।
अब यहां पर दो एक का योग आपके लिए बेहद शुभ योग बन रहा है। दो या एक विकेट कीपर लेकर आपको आप चलेंगे तो दोस्तों आपके लिए ग्रीन जोन है। आज आपके लिए दोस्तों बेहद ही शुभ है आज आपका दिन। अगर दो और एक विकेट कीपर लेकर चलते हैं कि या एक लीजिए या दो लीजिए। अब दोस्तों हम विकेट कीपर की बात कर चुके हैं, दूसरी बात आती है बैट्समैन, हमें कितने लेना है बैट्समैन के लिए क्या है। देखिए आपके लिए तीन और चार का आंकड़ा बैट्समैन के लिए बेहद ही अशुभ है, बेहद ही अशुभ है। अगर उसमें सा नाम का बैट्समैन है दोस्तों, उसमें सा नाम का बैट्समैन है तो कदापि मत लीजिए, क्योंकि सा नाम दोस्तों कुंभ राशि का जातक होता है, सन की छाया होती है और राक्षस पवती होती है। तो दोस्तों आपके लिए बेहद ही अशुभ है, शनि शाम जिसके सामने आ जाता है उसका काम दोस्तों अशुभ हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, बिल्कुल सा नाम के दोस्तों बैट्समैन को मत लीजिएगा, सा नाम का बैट्समैन नहीं चलने वाला आज, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं चार या पांच का आंकड़ा आपके लिए बेहद ही शुभ होने वाला है, चार या पांच का आंकड़ा आपके लिए बेहद ही शुभ होने वाला है। तो आप चार या पांच बैट्समैन लेकर के चल सकते हो, वो भी विकेट कीपर के साथ, क्योंकि विकेट कीपर भी बैट्समैन होता है। तो विकेट कीपर के साथ आप पांच दोस्तों बैट्समैन को चल सकते हैं, जिसमें वा रा और सा नाम का बैट्समैन होगा तो आपके लिए बेहद ही शुभ होगा, और का नाम का बैट्समैन होता होगा तो आप आंख मूंद कर ले लीजिए, आपके लिए बेहद ही शुभ है। अब बैट्समैन की चर्चा हम कर चुके हैं, अब दोस्तों बारी आती है ऑलराउंडर की चर्चा करने की। तो आज चलते हैं देरी ना करते हुए ऑलराउंडर की भी चर्चा कर लेते हैं कि ऑलराउंडर आपको कितने लेकर चलना है। देखिए दोस्तों आपके लिए दो ऑलराउंडर तो बेहद ही शुभ है, परंतु आप दोस्तों परिस्थितियों अनुसार तीन ऑलराउंडर भी ले सकते हैं जो आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आप तीन ऑलराउंडर लेते हैं तो उसमें हा नाम का ऑलराउंडर को दोस्तों जरूर ऐड कर लीजिए। अगर हा नाम का खिलाड़ी आपके पास है तो जरूर ऐड कर दीजिए, आपको मजा आने वाला आपको दोस्तों यहां पर आप की सर पर मुकुट लगने वाला है। आप ग्रीन जोन पर जा सकते हैं दोस्तों, आप दोस्तों लाखों रुपए कमाने वाले, क्योंकि दोस्तों जब हम कमाते हैं तो हमें भी ईर्ष्या नहीं है, आप लोग भी कमाइएगा। किस प्रकार से कमाया जाता है, आप लोग क्या करते हैं, कहां पर से दिक्कतें आपको पैदा होती है, कहां से आप विनिंग जोन से बाहर हो जाते हैं, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप लोग धैर्य रखिएगा और दोस्तों एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक सेकंड का वीडियो देखिएगा और भी हम आपको बताने वाले। अब बारी आती है दोस्तों बॉलर की, आपको बॉलर कितने लेकर चलना है। बॉलर के लिए आपका शुभ अंक दोस्तों तीन है, बॉलर के लिए शुभ अंक तीन है, परंतु यह दोस्तों आप ऑलराउंडर दो लेते हैं तो बॉलर चार भी ले सकते हैं, अर्थात यदि ऑलराउंडर दो लेते हैं तो बॉलर चार लीजिए, अगर ऑलराउंडर तीन लेते हैं तो बॉलर भी तीन लीजिए, अर्थात दोनों का जो आंकड़ा है दोस्तों छह से अधिक नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। आप विनिंग जोन से क्यों बाहर होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आप विनिंग जोन से इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि दोस्तों आप जैसे ही दोस्तों मैच शुरू होने वाला होता है, जैसे ही दोस्तों लाइनअप घोषित होती है, वैसे ही दोस्तों आप हाइएस्ट सिलेक्शन परसेंट के पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों, और जो खिलाड़ी का परसेंटेज सबसे हाई होता है, सभी लोग ज्यादातर लिए होते हैं, वही खिलाड़ी को आप भी ले लेते हैं। तो आप खुश समझिएगा, जहां भीड़ है वहां सफलता आपको मिल सकती है क्या, और रिस्क लो, कम परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को लो। हम ये नहीं कहते हाई सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी को मत लीजिए, परंतु दोस्तों उसमें दो तीन खिलाड़ी हाई परसेंट वाले, चार से पांच खिलाड़ी एवरेज परसेंट वाले, और दोस्तों तीन खिलाड़ी कम से कम लोएस्ट परसेंट वाले, और जो नया खिलाड़ी दोस्तों इंक्लूड किया गया हो टीम में उसे जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं अब हम दोस्तों पूरी तरह से मैच के आंकड़े देखते हैं कि मैच कहां होने वाला है, क्या पिच रिपोर्ट है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। एक बार उद्घोष कर दीजिएगा जय बजरंगबली बाबा की, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली की। और चलते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप चलते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं टीम पर जाते हैं, यहां पर आप लोग पिच दोस्तों बैटिंग है, पिच बैटिंग है, आदर्श बॉलिंग स्टाइल तेज अर्थात पेसर्स को मदद मिलने वाली, औसत स्कोर आप देख सकते हैं 173 रन है, तो आप समझ ही सकते हैं पिच किस प्रकार का बिहेव करने वाली है। और दोस्तों मैच का स्थान एडिलेड ओवल पर ये मैच होने वाला है। अब गाइड करते हैं, आंकड़े देखते हैं, मैच के आंकड़े क्या होने वाले हैं। देखिए लेटेस्ट 5 मुकाबलों में एसटीआर ने एक मुकाबला जीता है, वही एसटीए ने दो मुकाबले जीते हैं। अगर इस लिहाज से देखें
तो एसटीए का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई नजर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड के आंकड़े अगर देखते हैं, ग्राउंड के आंकड़े पर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिच बैटिंग है, बेहतरीन पेसर्स को मदद मिलने वाली है, मौसम में बराबर धूप खिले रहने की पूरे संभावनाएं जताई जा रही है। औसत रन 173 है, कुल विकेट यहाँ 56 गिरे है, जहां पेसर्स को 33 वहां स्पिनर को 23 विकेट मिले हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं दोनों टीमों के बीच तो दोस्तों 11 मैच खेले गए हैं, जहां एसटीआर में 6 बल्कि एसटीए ने 5 मुकाबले जीते हैं। इस लिहाज से देखें तो दोस्तों लगभग दोनों ही टीमों का पल्ला बराबर दिखाई देता है दोस्तों। और चलते हैं, अब देरी न करते हुए हम टीम बनाते हैं, हम दो प्रकार से आपको टीम देने वाले हैं। एक होगी दोस्तों बेहद ही सेफ टीम, जो लोग दोस्तों इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं उस सेफ जोन पर जा सकते हैं, परंतु जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं वो बिल्कुल सेफ जोन पर नहीं जाएंगे। वो दोस्तों रिस्क ले, और जीवन में जो रिस्क लेता है वो ही रिस्क करता है, अन्यथा हमारे देश में हमारे विदेश में जितने लोग आज करोड़पति लखपति बने उन्होंने रिस्क लिया है जीवन पर, तभी वो आगे बढ़े। और जो लोग सेफ रहना चाहते हैं, जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, वो दोस्तों आप समझिए वो कदापि रिस्क नहीं लेते, और जो रिस्क नहीं लेते वो करोड़ रुपए के अधिकारी भी नहीं होते दोस्तों। और चलते हैं, हम लोग बनाते हैं टीम, तो यहाँ पर एस हार्पर को लेकर के हम टीम बनाते हैं, उसके बाद सीलिन को लेते हैं, एच कार्ट राइट को लेते हैं, कार्ट राइट के बाद दोस्तों ट्री रोजर को ले लेते हैं, ट्री रोजर्स के बाद दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर ट्री रोजर्स के बाद दोस्तों यहाँ पर ए होस को ले लेते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन पे पाते हैं ग्लैन मैक्सवेल को लेते हैं, मार्क स्टोनिस को लेते हैं, एम साइड को लेते हैं, ओवरटन को लेते हैं, बी बेवेस्टर को लेते हैं, बैटिंग सेक्शन से एहोस को हटा देते हैं, एहोस को हटा देते हैं और टी रोजर्स को हटा देते हैं, आगे बॉलिंग सेक्शन पर जाते हैं, एच रॉब को ले लेते हैं, डी पाइने को ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम दोस्तों यहां पर दोस्तों उसामा मीर को जे पैरिस को ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब बात आती है कप्तान को कप्तान बनाने की तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आप लोगों को रिस्क लेना है, यहां पर मैक्सवेल को कप्तान बना सकते हैं, और दोस्तों यहां पर हम ओवरटेन को दोस्तों हम वाइस कैप्टन बनाते हैं और टीम को सेव कर देते हैं। ये हमारी सेफ टीम रही। अब हम चलते हैं रिस्क लेते हैं, यहां पर एच नीलसन को लेते हैं, एच नीलसन के बाद दोस्तों यहां पर दोस्तों ए होस को लेते हैं, ए हो टी रोजर्स को ले लेते हैं, टी रोजर्स को बाद दोस्तों यहां पर हम सीलिन को लेते हैं, सीलिन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां मैक्सवेल को लेते हैं, एम साइड को लेते हैं, बेवेस्टर को ओवरटन को ले लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों यहां पर हम दोस्तों ओवर बेबेस्टर को हटा करके दोस्तों यहां पर डी साइड को लेते हैं, और दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहां पर दोस्तों यहां पर यू मीर को लेते, डब्लू आगर को लेते और सी बॉयस को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब कप्तान कप्तान की बात आती है तो यहां पर दोस्तों एम साइड को हम कप्तान बनाते हैं, और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर एसटीए है, और यहां पर दोस्तों जे और टोन को वाइस कैप्टन बना करके टीम को सेव कर देते हैं। ये हमारी दो टीमें बन चुकी है, एक है बेहद सेफ टीम, एक है रिस्की टीम। हम आपको पूरी तरह से दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं दो ही टीम हमने बनाई है। ये देखिए सेफ टीम जिसका कप्तान ग्लैन मैक्सवेल, वाइस कैप्टन जे ओवरटन है, वही रिस्की टीम आप देख सकते हैं जिसके कप्तान दोस्तों हमने बदल दिया है, कप्तान दोस्तों इंसार्ट है और वाइस कैप्टन में ओवरटेन ही है दोस्तों। तो आप लोगों के वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय दोस्तों।